सातवां वेतन नहीं मिला तो निगम कर्मचारी प्रदेश स्तर पर करेंगे हड़ताल। 21 तारीख से जाएंगे प्रदेश स्तर के कर्मचारी हड़ताल पर, कर्मचारियों में भारी रोष। सातवां वेतन मेडिकल डायरी में निगम में खाली पड़े पदों को नियुक्त करने हेतु कुछ दिनों पहले निगम के कर्मचारी द्वारा ज्ञापन पेश किया गया था, जिसमें लिखा था अगर कर्मचारियों की मांगे न मानी गई तो प्रदेश भर में निगम के कर्मचारी हड़ताल पर उतर जाएंगे। सातवें वेतन को लेकर जारी किए गए पत्र से कर्मचारियों में रोष है। वे चाहते हैं कि सातवें वेतन का लाभ सभी कर्मचारियों को मिले। कब तक क्या चलेगा? राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन द्वारा दिनांक 21-3-2018 से पूरे प्रदेश में डरवास की मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आम हड़ताल किए जाने की घोषणा की। नहीं, उसके बाद क्या रहा? यदि सरकार द्वारा 21-3-2018 से पूर्व कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं वो पूर्ण नहीं की गई तो 21 तारीख से पूरे प्रदेश में आम हड़ताल की जाएगी। मुख्य मांगे क्या आपकी? मुख्य मांगों में जो सरकार द्वारा 14 तारीख को सातवें वेतन आयोग का जो परिपत्र जारी किया गया है वो दोषपूर्ण है, उसको सरकार वापस ले और बगैर किसी शर्त के सातवें वेतन आयोग का लाभ कर्मचारियों को दिए जाने की घोषणा की है। यदि मांगे नहीं मानी जाती है और उसके अकॉर्डिंग टू क्या निगम को हर्जाना करना पड़ेगा? यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो पूरे प्रदेश में हड़ताल, काम बंद। आपका परिचय? रोहित पाराशर, लेखाधिकारी, नगर निगम अजमेर।